हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने फ़ोन में कॉल सेटिंग कैसे कर सकते हैं। इसी वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो की पूरी जानकारी के लिए वीडियो लास्ट ज़रूर देखना है। बहुत सिंपल सिंपल स्टेप है जो आपको देखनी है, फॉलो करनी है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप अपने फ़ोन में कॉल सेटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के डायलर में जाना है। डायलर में जाने के बाद में यहाँ से आपको अपने फ़ोन में थ्री डॉट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है कॉलर आईडी एंड स्पैम। आपको उसे ऑन करना है। ऑन करने के बाद में यहाँ से आपको शी कॉलर एंड स्पैम आईडी पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको ट्रू कॉलर की जगह पर काम करता है। यहाँ से आपको बैक होना है। बैक होने के बाद में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है ब्लॉकेड नंबर्स का। ब्लॉकेड नंबर्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको अनोन पे क्लिक करना है। अनोन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपके फ़ोन में जितने भी अनोन नंबर होते हैं वो सारे यहाँ पर ब्लॉक हो जाते हैं। सेकंड ऑप्शन आपको देखने को मिलता है एड ए नंबर का। एड ए नंबर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ से अगर आप अपने फ़ोन में कोई भी पर्सनल नंबर ब्लॉक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर नंबर डायल करके ब्लॉक कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। यहाँ से आपको बैक होना है। बैक होने के बाद में आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है कॉलिंग अकाउंट का। कॉलिंग अकाउंट पर क्लिक करके आपको सिम वन पर क्लिक करना है। सिम वन पे क्लिक करने के बाद में कॉल फॉरवर्डिंग पे क्लिक करके आप अपने फोन में कॉल फॉरवर्ड ऑन एंड कॉल फॉरवर्ड ऑफ कर सकते हैं। एडिशनल सेटिंग पे क्लिक करके आप अपने फोन में कॉल वेटिंग ऑन कर सकते हैं। यहाँ से आपको बैक होना है। बैक होने के बाद में आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है कॉल रिकॉर्डिंग का। कॉल रिकॉर्डिंग पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है नंबर नॉट इन योर कॉन्टैक्ट। आपको इसे ऑन करना है। ऑन करने के बाद में यहाँ से आपको आरवेज रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपके फोन में जितने भी अनोन नंबर होते हैं वो सारे यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाते हैं। सेकंड ऑप्शन आपको देखने को मिलता है सिलेक्टेड नंबर्स का। सिलेक्टेड नंबर्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है आरवेज रिकॉर्ड सिलेक्टेड नंबर्स। आपको इसे ऑन करके आरवेज रिकॉर्ड पर क्लिक करना है। यहाँ से अगर आप अपने फोन में कोई भी पर्सनल नंबर कॉन्टैक्ट का रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो चूज़ ए कॉन्टैक्ट पर क्लिक करके कर सकते हैं। यहाँ से आपको बैक होना है। बैक होने के बाद में आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है डिस्प्ले ऑप्शन का। डिस्प्ले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से आपको ऑप्शन देखने को मिलता है स्टोर बाय नेम फॉर्मेट। यहाँ से आप अपने फोन में कॉन्टैक्ट का कोई भी फर्स्ट नेम या लास्ट नेम शो करवा सकते हैं। यहाँ से आपको बैक होना है। बैक होने के बाद में एक ऑप्शन देखने को मिलता है साउंड एंड वर्जन का। साउंड एंड वर्जन पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको काफ़ी सारे साउंड देखने को मिल जाते हैं। जो भी आपको यहाँ पर यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आपको बैक होना है। बैक होने के बाद में यहाँ से आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है वॉइस मेल का। वॉइस मेल पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ से आप अपने फ़ोन में किसी भी फ्रेंड से बात नहीं करना चाहते हो या बात नहीं कर सकते हो तो आप उसको यहाँ से बहुत ही सिंपल तरह से वॉइस मेल सेंड कर सकते हैं। यहाँ से आपको बैक होना है। बैक होने के बाद में आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है फ्लिप टू साइलेंस का। आपको फ्लिप टू साइलेंस इस तरह से ऑन करना है। तो बहुत ही सिंपल है। देखिए फ्रेंड, ये थी हमारी कॉल सेटिंग। इसी के अकॉर्डिंग आप अपने फ़ोन में कॉल सेटिंग कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।